जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोका मेड़ी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, बदमाशों को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। सुखदेव सिंह गोका मेड़ी की हत्या से राजस्थान में तनाव, जयपुर में समर्थकों ने जताया दुख। सीएम पद की रेस में आए बाबा बालकनाथ, राजस्थान के योगी कहे जाते हैं। मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित नहीं है महिलाएं, रोज 16 महिलाओं के साथ हो रहा है अपराध, रेप, किडनैपिंग और दहेज उत्पीड़न से अधिक मामले के खुलासे हुए। दिल्ली में रोज 3 महिलाओं से होता है दुष्कर्म, राजधानी को बताया सबसे असुरक्षित, एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा। देश में हर घंटे हो रही हैं 3 हत्याएं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, उसके बाद बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली मीटिंग हुई स्थगित, ममता नीतीश अखिलेश के इनकार के बाद खड़गे ने लिया फैसला। मुझे इंडिया गठबंधन के बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, ममता बनर्जी ने किया दावा। मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले मैं ना दावेदार था, ना हूं ना रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं, मोदी जी मेरे नेता हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश, पास हुआ तो कश्मीरी पंडितों को संसद में 2 और पीओके विस्थापितों को 1 सीट रिजर्व होगी। बुलडोजर चलेगा 24 घंटे के अंदर, गुंडे भाग जाओगे, राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बालकनाथ की नसीहत। चुनाव हारने के बाद गहलोत पायलट गुट में फिर हो सकती है खींचतानी। अयोध्या में रामलला की मूर्ति तैयार, मूर्तियों में जो सबसे बेहतर वही 10 दिन में चुनी जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा में 11 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। ईवी गाड़ियों की खरीदारी पर छूट देगी बिहार सरकार, 400 नई इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी, 6 शहर से चार्जिंग स्टेशन, 23 एजेंडा पर लगी मुहर। रामलला के दर्शन करने के लिए पश्चिम बंगाल से अयोध्या के लिए पैदल निकला राम भक्त, 1400 किलोमीटर का सफर, 90 दिन का समय। तेलंगाना के सीएम बन सकते हैं रेवंत रेड्डी, कल ले सकते हैं शपथ। मंडे टेस्ट में पास हुई रणबीर की फिल्म तहस नहस, की बॉक्स ऑफिस हुई छप्पर फाड़ कमाई। चक्रवात मिचौंग आज करेगा लैंडफॉल, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, चेन्नई में 8 की मौत, उड़ानें हुई रद्द। गोरखपुर महिला कोच में पंखे से लटका रहा युवक का शव, देखते ही गोरखपुर में यात्री उल्टे पैर ट्रेन से उतरे। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 48 से द्वारका एक्सप्रेसवे की एंट्री बंद, परेशान लोगों ने सोशल मीडिया पर उठाई आवाज। गाजियाबाद में डेस्क पर जय श्री राम लिखा तो भड़की टीचर, छात्र के चेहरे पर डाला व्हाइटनर, रोते हुए घर पहुंचा स्टूडेंट तो मचा बवाल। मुंबई में 22 कैरेट सोने का रेट 58,850 रुपए, तो वहीं चांदी का रेट 80,500 रुपए। साइक्लोन मिचौंग आंध्र प्रदेश तट से टकराया, चेन्नई शहर डूबा। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मड़ी को गोली मारने के बाद मचा हड़कंप, जगह जगह हो रहा है प्रदर्शन। कर्नाटक में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा स्टोरेज यूनिट, अनाज की बोरियों के नीचे फंसे 10 से ज्यादा मजदूर।